हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल लेट्स लर्न मेटलर्जी में। मेरा नाम जनक कुमार है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने भी इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया था बट बेल आइकन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करिए, फिर आपको बेल आइकन दिखाई देने लगेगा। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से आप इस वीडियो लेक्चर। प्लेन कार्बन स्टील, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्लेन कार्बन स्टील मतलब इसमें जो प्राइमरी अलॉयिंग एलिमेंट जो होते हैं वो कार्बन होता है। कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे मैक्सिमम 1.5% तक हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के प्लेन कार्बन स्टील पे। और स्मॉल परसेंटेज में सिलिका, सल्फर, फॉस्फोरस और मैगनीज भी प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है प्लेन कार्बन स्टील का, फर्स्ट लो कार्बन स्टील, सेकेंड मीडियम कार्बन स्टील एंड थर्ड हाई कार्बन स्टील। तो सबसे पहले देख लेते हैं लो कार्बन स्टील को। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज है वो मैक्सिमम होता है 0.25% तक, कहीं कहीं पे ये 0.3% भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए, ये लगभग दोनों सही हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है प्लेन कार्बन स्टील का वो होता है इसका हाई डक्टिलिटी एंड हाई टफनेस। ओके, तो इसकी डक्टिलिटी और टफनेस काफ़ी अच्छी होती है। बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस काफ़ी कम होता है। और इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को आप थ्रू द हीट ट्रीटमेंट आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज लैक ऑफ कार्बन। तो कार्बन कम होने की वजह से जब आप लो कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट करोगे तो इसमें कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट को कोई मेटल या स्टील तभी रिस्पॉन्स करेगा जब उसमें कुछ सफिशेंट अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होगा। तो लो कार्बन स्टील के माइक्रो स्ट्रक्चर में मेनली जो है वो फेराइट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में फेराइट प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में परलाइट होता है। इसका इसका सीरियस रीज़न ये है कि इसमें कार्बन बहुत कम होता है, तो कम कार्बन होने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट में फेराइट प्रेजेंट होता है। इस माइक्रो स्ट्रक्चर में देखिए, जो वाइट कलर में आपको जो दिख रहा है, ये जो पूरे एरिया जो वाइट कलर में दिख रहा है ये होता है फेराइट, और जो आपको स्मॉल ब्लैक कलर में दिख रही है ये सब है परलाइट। तो हमको पता है कि जो फेराइट है वो सॉफेस्ट फेज होता है आयरन कार्बन सिस्टम में, तो ज़्यादा अमाउंट में फेराइट प्रेजेंट होने की वजह से जो लो कार्बन स्टील है उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही कम होता है, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस बहुत अच्छी होती है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो लो कार्बन स्टील का ज़्यादातर एप्लीकेशन स्ट्रक्चरल शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चरल शेप मतलब जो मेटालिक शीट्स है, घरों में यूज़ होने वाले, घर बनाने के लिए यूज़ होने वाले TMT बार्स हैं, बिजली के खंभे हैं, खिड़की, दरवाजे, टेबल, चेयर, ये सब जो बनी होती है वो लो कार्बन स्टील का ही बना होता है, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से इसको शेप करना, इसको शेपिंग देना है ना, या इसको अलग अलग टाइप में डिफॉर्म करना, अलग अलग शेप में डिफॉर्म करना काफ़ी आसान होता है। इसके अलावा रिफ्रैक्टरी, रेफ्रिजरेटर बॉडीज, ऑटोमोबाइल बॉडीज, कैंस है ना, शीट, ये सब बनाने, शीट्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। अदर एप्लीकेशन इसका है नट बोल्ट, बॉयलर प्लेट्स, शिप प्लेट्स, रेनफोर्सिंग बार्स, पाइपलाइन, ये सब में लो कार्बन स्टील का यूज़ होता है। और ये सब जो आप एप्लीकेशन देख रहे हो इन सब में जो है हाई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है। अगर मेटल डक्टाइल होगा तब आप इस टाइप के प्रोडक्ट को बना सकते हो, तो लो कार्बन स्टील जो है वो सूटेबल होता है इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टील नट्स है जो कि लो कार्बन स्टील का बना हुआ है, ये नट है आप देखे होंगे बहुत जगह, फेंसेस हैं, ओके, ये स्टील वायर्स है, तो ये सब बनाने के लिए लो कार्बन स्टील का यूज़ होता है। अब आ जाते हैं मीडियम कार्बन स्टील में। मीडियम कार्बन स्टील में जो जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 0.3 to 0.6% होता है। इसकी जो सबसे अच्छा जो एडवांटेज है
जो प्लेन कार है, जो मीडियम कार्बन स्टील का है, वो है बेटर रिस्पॉन्स टू हीट ट्रीटमेंट कम्पेयर टू लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील में सफिशियंट अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप मीडियम कार्बन स्टील का जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू द हीट ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव बाई हार्डनिंग फॉलोड बाई द टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट। तो इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को है वो आप हार्डनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आप टेम्परिंग करके इसकी डक्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, बाई एडिंग अ लॉन्ग एलिमेंट देयर एबिलिटी टू गेट हार्डन कैन बी इंक्रीज। तो आप कुछ अमाउंट में अगर आप लॉन्ग एलिमेंट ऐड कर देते हो तो इसकी हार्डनिंग एबिलिटी और भी बढ़ जाती है। माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए मीडियम कार्बन स्टील का, तो आप देख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे पैरलाइट प्रेजेंट होता है और कम अमाउंट में फेराइट प्रेजेंट होता है। जो वाइट कलर का यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाइट कलर का वो होता है फेराइट। ओके, और जो ब्लैक कलर की ये सब जो देख रहे हो वो है आपका पर्लाइट। ओके, तो पर्लाइट जो है वो मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का। तो पर्लाइट का जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो दोनों ही ज़्यादा होता है फेराइट से। तो सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा पर्लाइट प्रेजेंट होगा तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द माइक्रोस्ट्रक्चर। एप्लीकेशंस देख लीजिए, तो मीडियम कार्बन स्टील का एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, लाइक गियर, एक्सल, लीवर, कैम, बोल्ट, सॉकेट, स्क्रू ड्राइवर ये सब बनाने में। इसके अलावा सिलिंड्रिकल लाइनर, सिलेंडर्स, हैंड टूल्स, रिम्स, बाईसाइकिल, ऑटो वाल्वल्स, रेलवे में इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, रेलवे कपलिंग, फैट ब्लेडर, बॉल मिल का जो बॉल बनाने के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा मशीन कंपोनेंट्स। तो ये सब बनाने के लिए हम मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है मीडियम कार्बन स्टील का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल है जो कि बॉल मिल में यूज़ होता है। इसका यूज़ है, बॉल मिल का उपयोग हम ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। तो ये जो बॉल है वो मीडियम कार्बन स्टील का बनता है। यहाँ पे रिम देख सकते हो बाईसाइकिल के, ये एक्सल है, ऑटो बॉल में आप देखी होगी गाड़ियों में, कार, ट्रक ये सब में। तो ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है मीडियम कार्बन स्टील का। अब आ जाते हैं हाई कार्बन स्टील में। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 0.6 to 2% है। कहीं कहीं पे ये 0.6 to 1.2% या 1.4% भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्चुअल में ये सब ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज है वो मैक्सिमम 1.4 तक ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइप के स्टील में हम 1.4% से ज़्यादा कार्बन ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कार्बन ऐड करोगे मटेरियल उतना ही ज़्यादा ब्रिटल होता है और वो यूज़फुल नहीं रहता है। तो सबसे बड़े एडवांटेज है हाई कार्बन स्टील का, वो है दे आर द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग प्लेन कार्बन स्टील बट लीस्ट डक्टाइल। तो जो हाई कार्बन स्टील है वो सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, अमंग प्लेन कार्बन स्टील। ओके, तो प्लेन जो लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील है उससे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस होगा। बट एक यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, बट इट्स हैज द लीस्ट डक्टिलिटी, बट इसकी डक्टिलिटी जो है वो बाकी की कंपेयर में सबसे कम होती है। ओके, इसके अलावा इसका और डिसएडवांटेज क्या है, दे हैव पुअर मशीनेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। तो इसकी डक्टिलिटी कम होने की वजह से इसको शेप देना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, मशीनेबिलिटी काफ़ी कम होती है, इसका आप कटिंग नहीं कर सकते, मशीनिंग नहीं कर सकते। वेल्डेबिलिटी, इसकी वेल्डिंग करना भी मुश्किल होता है। ओके, क्योंकि आप वेल्डिंग करोगे तो इसमें क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इट हैज़ द गुड हार्डनेबिलिटी। ओके, तो हार्डनेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ इसका हार्डनेस भी अच्छा होता है। और देखिए, द अलॉयिंग एलिमेंट्स सच एज टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम एंड वैनेडियम कैन बी एडेड इन दिस स्टील टू फॉर्म हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस कार्बाइड कंपाउंड। तो जो टूल स्टील होता है, टूल स्टील जो है वो मेनली हाई कार्बन स्टील होता है। उसमें हम कुछ अमाउंट में कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स मिला देते हैं, लाइक टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, वैनेडियम।
तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स है वो कार्बन के साथ मिल करके कार्बाइड बना लेता है, और ये कार्बाइड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड होने की वजह से जो स्टील है वो काफ़ी अच्छा वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, इसका हार्डनेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ कटिंग टूल्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हाई कार्बन स्टील का यूज़ जो है वो टूल्स बनाने के लिए, कटिंग टूल्स बनाने के लिए ही होता है। ये देखिए यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर, तो माइक्रो स्ट्रक्चर से आप काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, क्योंकि जो पूरी जो प्रॉपर्टी है वो केवल माइक्रो स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। आप अगर माइक्रो स्ट्रक्चर को जान गए तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो जो डार्क ब्लैक कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो डार्क ब्लैक एरिया जो दिख रहे हैं वो है सीमेंटाइट। ओके, सीमेंटाइट होता है, सीमेंटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe3C। ओके, और सीमेंटाइट जो है वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है अमंग ऑल द फेजेस, जो आयरन कार्बन सिस्टम में जो भी फेजेस प्रेजेंट होते हैं उसमें जो सबसे हार्ड जो फेज है वो है सीमेंटाइट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो लाइनिंग टाइप का देख रहे हो वो होता है परलाइट। परलाइट जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो परलाइट है वो फेराइट और सीमेंटाइट का लैमिनर मिक्सचर होता है, ठीक है। तो सीमेंटाइट और पारलाइट प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, बट डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। एप्लीकेशन देख लेते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है कार्बन स्टील का वो टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता है या कटिंग टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। देखिए द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ हाई कार्बन स्टील इंक्लूड्स लॉक वॉशर्स, वॉल स्प्रिंग स्प्रिंग बनाने के लिए यूज होता है, रेंचेस, कटिंग टूल्स, डाइज, जो डाइज आप बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है, शेयरिंग डाइज, नाइव्स मतलब आप समझते हो चाकू है, एंड विल है, चीजल्स है जो वर्कशॉप में यूज होता है, चीजल, हैमर, मिलिंग कटर्स, टैप्स, रेजर, ओके, हैक्स और ब्लेड, पिस्टल रिंग्स एंड गेजेस। तो आप देख सकते हो ये ज़्यादातर चीज़ें जो है वो टूल्स हैं, जो आप वर्कशॉप में ज़्यादातर चीज़ें जो यूज़ होती है, जहाँ पे हमें हार्डनेस जो है ज़्यादा चाहिए होता है। ये है लॉक वॉशर्स जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है, ये व्रेंचेज है, ओके, जिसको आप पाना बोलते हैं, ये स्प्रिंग्स है, वॉल स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का यूज़ आप हर जगह बहुत ज़्यादा करते होंगे, तो जो स्प्रिंग है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीन कार्बन स्टील। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना के रखा है, इफेक्ट ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट्स, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिटेल से हर अलॉयिंग एलिमेंट का स्टील में क्या इफेक्ट्स होता है, किस प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, किस प्रॉपर्टीज़ को कम करता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफ़र कीजिए, आपको पूरा डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। सिलिकन है, मैंगनीज है, सल्फर है, फॉस्फोरस, इसका पूरा डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो लिमिटेशन जो है उसको भी मैंने बहुत अच्छे डिटेल से उस वीडियो में बनाया है, लिमिटेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील की, क्या क्या लिमिटेशन होती है प्लेन कार्बन स्टील की, जिसकी वजह से हम इसमें अलॉयिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, जो भी मेट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं उनसे आप शेयर कीजिए, उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए।